चेहरे पर अक्सर ग्लो लाने के लिए महिलाएं फेशियल करवाती हैं। फेशियल से त्वचा न केवल साफ हो जाती है बल्कि इसे मॉइस्चर भी मिलता है, साथ ही त्वचा रिलैक्स भी होती है। वही फेशियल के बाद अगर सही तरीके से स्किन की केयर ना की जाए तो चेहरे पर वो मनचाहा ग्लो देखने को नहीं मिलता। वही कई बार फेशियल के तुरंत बाद भी चेहरा ग्लो नहीं करता, इससे महिलाएं परेशान हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि उनके पैसे बर्बाद हो गए हैं। लेकिन आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर फेशियल के बाद ग्लो कितने दिन में आता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आप फेशियल करवा रही हैं तो फेशियल के बाद साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चेहरे की त्वचा से संपर्क में आने वाले सामान साफ सुथरे हो, जैसे तौलिया, बेडशीट, तकिए का कवर। इन सारी चीजों के गंदे रहने पर बैक्टीरिया पोर्स के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि फेशियल के बाद स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और वो क्लीन भी रहती है, जिससे उसके गंदे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं त्वचा की चमक बरकरार रखने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है, न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। वहीं फेशियल के बाद पानी ज्यादा मात्रा में पिएं। अगर आप फेशियल करवाती हैं तो उसके बाद कुछ दिनों तक सीधे धूप के संपर्क में बिल्कुल ना आएं। कोशिश करें कि कम से कम 7 दिन तक आप धूप में जाएं ही नहीं। धूप की वजह से कई बार फेशियल वाली स्किन में एलर्जी, लालपन होने की संभावना बढ़ती है। वहीं फेशियल के बाद धूप से बचने के लिए बेझिझक आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं फेशियल के बाद कभी भी हॉट बाथ या फिर गर्म पानी से चेहरा ना धोएं। चेहरे को अगले दिन धोने के लिए सामान्य तापमान के पानी का इस्तेमाल करें। अगर वैक्स करवाना है तो फेशियल से पहले ही करवा लें। साथ ही आपको बता दें कि फेशियल करवाने के तुरंत बाद नहीं बल्कि 2 से 3 दिन बाद आपके चेहरे पर ग्लो नजर आएगा। तो इस तरह से आपके चेहरे पर फेशियल के बाद वो ग्लो जरूर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।